नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने लग रहे हैं द केरला स्टोरी पर ध्रुव राठी की एक वीडियो की जो पूरी तरीके से वायरल हो गई है। उस पर मैं अपना एक रिएक्शन दूंगा और कैसे बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी की सुनामी आ गई है, करोड़ों छाप रही है ये मूवी, अब तक कितना कमा चुकी है और क्या प्रिडिक्शंस है इसकी लाइफ टाइम की, ये हम बात करने लग रहे हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आई वॉज जस्ट टीजिंग यू गाइज। तो बात यह है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है द केरला स्टोरी मूवी पर, जो कि पूरी तरीके से फैल गई है इंटरनेट पर। जो लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, वो इसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रहे हैं, पूरी तरीके से फैला रहे हैं। बात यह है कि ध्रुव इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत 32,000 फिगर्स पर जो है ना फोकस कर रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज और इंडियन एजेंसीज का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं कि देखो सर 66 लोग अरेस्ट हुए थे जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया था इंडिया से, या कहीं बता रहे हैं किसी एजेंसी ने 150 का आंकड़ा दिया, किसी ने 200 का आंकड़ा दिया। और उसमें ये भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में ही थे, जो कि जिन्होंने आईसिस ज्वाइन नहीं किया लेकिन वो रिलेटेड थे आईसिस से और वो इंटरनेट पर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, देखो दोस्तों ध्रुव राठी जो कि एक इंडियन नेशनल है लेकिन जर्मनी में बैठा हुआ है, जिसको हमेशा नाजी याद आता रहता है, इस वीडियो में भी नाजी का जो है ना कंपैरिजन किया हुआ उन्होंने, तो वो बंदा जब अपनी वीडियो बनाता और मिलियंस तक जो है ना उसकी रीच है, इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है, तो सोचो वो कुछ चंद लोग जिनको आईसिस टेरर ग्रुप सपोर्ट कर रहा होगा। आईसिस दुनिया का सबसे मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला ग्रुप है। जब उसकी रिसोर्सेज उनके पीछे होगी, जब वो पैसा डाल रहा होगा, तो सोचो इनका मिशन जो है कहाँ कहाँ तक फैल रहा होगा, कितने हजारों लोगों को ये ऑनलाइन डिजिटल तरीके से मैनिपुलेट कर चुके होंगे, जिन्होंने भले ही आईसिस ना ज्वाइन कर पाए हो, उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं किस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन भले ही वो ना कर पाए हो, लेकिन उनके मन में अभी कितना जहर होगा, मतलब वो खुद जहर बन के बैठे होंगे और एक मौके की तलाश कर रहे होंगे कि कोई परफेक्ट मोमेंट आ जाए और वो अपना असली रंग जो है वो दिखा सके। बात यह है कि 66 है, 200 है, 150 है, भाई 66 उसको छोड़ो, अगर सिर्फ एक भी है ना, जो कि आपने कहा कि सिर्फ 66 है, मैं कह रहा हूं एक भी है ना, तो भी उसकी स्टोरी हिंदुस्तान को पता चलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आरुषि, एक जैसिका, एक हाथरस, एक निर्भया, भाई तमाम ऐसे सिर्फ एक हैं जो कि हिंदुस्तान को उसके समाज का आईना दिखाते हैं, चल क्या रहा है वो बताते हैं। जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, जो कि पूरा हिंदुस्तान ही देख रहा है, या फिर कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं वेहमेंटली इंटरनेट पर, वो केरला के अगेंस्ट में या केरला में जो रह रहे हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग, उनके अगेंस्ट में नहीं है। भाई अगर किसी स्टेट में कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज होगी तो उसकी बात की जाएगी, अगर साधुओं की लिंचिंग होगी महाराष्ट्र में तो उसकी बात की जाएगी, अगर लोअर कास्ट लड़कियों के साथ बलात्कार होगा उत्तर प्रदेश में तो उसकी बात करी जाएगी, अगर कश्मीर में लोग पत्थर मारेंगे तो उसकी बात करी जाएगी, बंगाल में अगर हिंदुओं के टेंपल्स को वैंडलाइज किया जाएगा तो उसकी बात करी जाएगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट्स इंडिया का पार्ट नहीं है या फिर इनके खिलाफ कोई मूवमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समाज में चल रहा है वो हम लोग देखते हैं। मेरी तो इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट है ध्रुव राठी को कि भाई आप प्लीज यहां के लोगों को मैनिपुलेट मत करो, उनका मसीहा बनकर, उनका वकील बनकर उनके दिमाग में ये मत डालो कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मतलब ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीफ करनी चाहिए कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुकाबले ये लोग सबसे कम हैं जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ये क्या तरीका हुआ बात करने का, भाई आप नहीं थे, मैं नहीं था, मोदी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, या हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी और उससे पहले से भी, अलग अलग धर्मों के लोग इस धरती पर हार्मनी डिसहार्मनी रहे हैं और आगे भी रहते ही रहेंगे। कुछ कुछ मुद्दे बीच में आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, थोड़े बहुत राइट्स पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ यही एक धरती है जहां पर सब लोग एक साथ अपने मुद्दों को बैठकर सुलझा लेंगे। तो आप इस तरीके से उनको मैनिपुलेट मत करो कि उनके खिलाफ जो है ना एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को द केरला स्टोरी देखनी चाहिए और इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को और इस टेरर नेटवर्क को और जो इस तरीके के जो यहाँ पर चल रहा है ना किसी एक स्टेट में या फिर और स्टेट्स में इंडिया के, उनको जो है
कंडेम करना चाहिए, ना कि फिल्म को ही जो है ना आप लेकर बैठ गए हो कि भाई 32,000 नहीं है सिर्फ 66 थी, ये कोई भी लॉजिक नहीं। अगर आपको ध्रुव राठी की वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम काउंटर चाहिए ना, तो भाई डॉक्टर रिजवान अहमद है एक, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी है, आप देख सकते हो। आप ध्रुव की भी वीडियो देख सकते हो, डॉक्टर रिजवान की भी वीडियो आप देख सकते हो। जो लोग फिल्म को सपोर्ट में, मतलब जो कट्टर वाले जो सपोर्टर है ना, जो मतलब राइटिस्ट हैं, वो लोग डॉक्टर रिजवान की वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, और ध्रुव को मतलब जो एंटी बीजेपी वाला जो विंग है वो ध्रुव की वीडियो सर्कुलेट कर रहा है। आप दोनों देखो और खुद सोचो कि भाई क्या है असली मामला। अब देखिए, द केरला स्टोरी पर कितना भी जहर उगल लो और कहीं भी इसको बैन कर दो, चाहे बंगाल में कर दो, केरला में कर दो, तमिलनाडु में कर लो, लेकिन फिल्म की जो आंधी है ना, जो बॉक्स ऑफिस आंधी है, वो रुक नहीं रही है। फिल्म पूरी दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा जो है अभी तक कमा चुकी है, और बताया जा रहा है जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये फिल्म 200 करोड़ का जो है अपना लाइफ टाइम जो कलेक्शन है वो आंकड़े को पार करेगी। जो पहला जो फ्राइडे था ना, यानी कि जब फिल्म रिलीज हुई थी, जो पहला दिन था, उसमें फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन जब दूसरा फ्राइडे आया, मतलब दूसरे हफ्ते का पहला दिन आया, तो उसमें फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपए कमाए। मतलब इस तरीके से फिल्म जो है ना अभी वायरल हो रही है, और आने वाले दिनों में कोई बड़ी फिल्म तो रिलीज हो नहीं रही है, तो इस फिल्म को उसका भी फायदा मिलेगा। और 200-250 करोड़ रुपए अगर ये फिल्म कमा ले तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। आप मुझे बताइए कि आपने केरला स्टोरी देख ली है, या फिर आप प्लान कर रहे हो उसको देखने का, या आपने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली है, डॉक्टर रिजवान अहमद की वीडियो देख ली, आपका क्या जो है ना पूरा राय है इस पूरे एक मुद्दे के ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपका वहां पे इंतजार करूंगा। द केरला स्टोरी से रिलेटेड हर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बॉक्स ऑफिस को लेके, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, मैं आपको लगातार इस पर वीडियोज दे रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगेन सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।